नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSSB का मॉक टेस्ट, जो कि आपकी कंप्यूटर साइंस की एग्जाम होने वाली है, उसके लिए यूजफुल होने वाला है। इसी के साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं KVS, NVS या फिर UGC नेट के कंप्यूटर साइंस के पेपर का, तो उसमें भी ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके के वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके के वीडियो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस, इसी पैटर्न के, इसी लेवल के क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो, इसके लिए हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें हम, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर वन है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द बेस्ट केस। तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मर्ज सॉर्ट, तो मर्ज सॉर्ट का बेस्ट केस क्या होता है, एन लॉग एन। उसके बाद अगर बात की जाए क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस एन लॉग एन। इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट का अगर बेस्ट केस की बात की जाए तो क्या होता है, एन ऑर्डर ऑफ एन। और अगर सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस बात करें तो एन स्क्वायर। अब अगर हम इसे जमाने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो मर्ज सॉर्ट इज ग्रेटर, फॉल्स। सबसे ज्यादा बड़ा अगर है तो वो है सिलेक्शन सॉर्ट, आप देख सकते हैं एन स्क्वायर है, तो सिलेक्शन सॉर्ट सबसे बड़ा है, मतलब सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पर सबसे बड़ा है। आप बाकी सी और डी इटसेल्फ आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन शॉर्ट सबसे बड़ा है और किसी भी ऑप्शन में सिलेक्शन शॉर्ट को सबसे बड़ा नहीं बताया गया है। ठीक है, उसके बाद एन लॉग एन दोनों इक्वल है और इंसर्शन शॉर्ट सबसे लेस है, तो आप बोल सकते हो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इट इज द करेक्ट ऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज नंबर ऑफ की कंपेरिजन डन इन अ सक्सेसफुल सिक्वेंशियल सर्च इन अ लिस्ट ऑफ लेंथ इट इज। जो आपका एवरेज नंबर ऑफ की कंपेरिजन कितने होंगे सक्सेसफुल सिक्वेंशियल सर्च में, सिक्वेंशियल सर्च में, सक्सेसफुल सिक्वेंशियल सर्च। तो सपोज आपके पास एन एलिमेंट है आपके लिस्ट में, तो जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट उसके लिए एक कंपेरिजन लगेगा, दूसरा एलिमेंट उसके लिए दो कंपेरिजन लगेंगे, तीसरा एलिमेंट उसके लिए तीन कंपैरिजन लगेंगे, चौथा एलिमेंट उसके लिए चार कंपैरिजन लगेंगे, एंड सो ऑन, एंथ एलिमेंट के लिए एन कंपैरिजन लगेंगे। तो इसको आप अगर ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन, इट इज नथिंग बट एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। लेकिन हमसे पूछा गया है कि एवरेज नंबर, एवरेज नंबर तो टोटल एन एलिमेंट है, उसमें एवरेज नंबर क्या होगा, तो डिवाइड इट बाय एन। अब आप इसको सोल्व करोगे तो n से क्या हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, n प्लस वन डिवाइड बाय टू, इट इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो मुझे लगता है क्वेश्चन सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी एग्जाम में, इसी टाइप का लेवल रहता है और इसी टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट, DSSSB, KVS, PGT कंप्यूटर साइंस, TGT कंप्यूटर साइंस, NVS इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, You have to sort 1 GB of data with only 100 MB of available main memory. Which sorting technique you will be the most appropriate? आपके पास 1 GB का डेटा है लेकिन आपको सिर्फ 100 MB की मेमोरी अवेलेबल है, अब आप कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक को बेस्ट तरीके से यूज करके डेटा सॉर्ट कर सकते हो? तो जब भी हमारे पास मेमोरी कम होती है और हमें ज्यादा मेमोरी का डेटा सॉर्ट करना होता है तो हमें एक्सटर्नल सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग। और बेस्ट एक्सटर्नल सॉर्टिंग की बात करें तो वो है मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट बेस्ट एक्सटर्नल टेक्निक है। हम क्या करेंगे, 1 GB इस डेटा को 10 times डिवाइड कर लेंगे, 100 MB 100 MB 100 MB लाइक दैट। उसके बाद हर डेटा को हम क्या करेंगे, स्पेशली सॉल्व करेंगे हर 10 एलिमेंट, हर 100 MB का डेटा, एंड देन वी विल पुट इट इन टू द मेन मेमोरी। तो जो सबसे बेस्ट टेक्निक हो सकती है वो हो सकती है मर्ज सॉर्ट, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम
will take least time when all elements of input array are identical. अगर आपके सारे इनपुट अरे के आइटम क्या है, आइडेंटिकल है, लाइकवाइज दैट सब आइडेंटिकल है, तो बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक क्या हो सकती है? तो अगर आपके सारे आइडेंटिकल है तो बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक होगी इंसर्शन सॉर्ट. इट इज बेस्ट केस होता है इसका कि अगर आपके सारे आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, इट इज द बेस्ट केस फॉर इंसर्शन सॉर्ट. तो ऑप्शन ए जो आपका है वो करेक्ट आंसर है. अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द लोवेस्ट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए, लोवेस्ट किसकी है? मर्ज सॉर्ट की वर्स्ट केस है एन लॉग एन. बबल सॉर्ट की लोवेस्ट अगर बात की जाए एन स्क्वेयर. क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस है एन स्क्वेयर. सिलेक्शन सॉर्ट एन स्क्वेयर, क्योंकि हमें वर्स्ट केस दिया गया है. क्या दिया गया है? लोवेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्स्ट केस. तो वर्स्ट केस बबल सॉर्ट एन स्क्वेयर टाइम, ये भी एन स्क्वेयर, ये भी एन स्क्वेयर, तो सबसे कम क्या हुआ? मर्ज सॉर्ट. तो ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर है. अगला क्वेश्चन है, रेंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्विक सॉर्ट वेयर द पिवट एलिमेंट इज चूजन रेंडमली. वॉट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग एन नंबर यूजिंग रेंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट? ए बी सी और डी, ये आपके पास चार ऑप्शन है. तो बेसिकली क्विक सॉर्ट की बात की जाए तो वर्स्ट केस कभी भी चेंज नहीं होता है. उसके कितने भी वेरिएशंस आप डाल दीजिए, क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस हमेशा वर्स्ट केस ही रहेगा, कि पाइवट एलिमेंट हमेशा या तो फर्स्ट एलिमेंट हो या लास्ट हो. मतलब वर्स्ट केस ही हो सकता है कि कॉर्नर वाला एलिमेंट हमेशा पिवट चूज किया जाए. तो फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही रहेगी. ऑप्शन सी जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये है इसका करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द सॉर्टेड एरे ऑफ एन नंबर्स, व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बेस्ट नॉन एल्गोरिथम टू फाइंड अ पेयर ए एंड बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू के, के बीइंग एनी पॉजिटिव. मतलब ए माइनस बी जो है आपका एक के है, कोई भी के पॉजिटिव नंबर आपको दिया गया है. ठीक है, तो क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक सॉर्टेड एरे आप ले लीजिए कोई भी एन नंबर का, तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी. क्यों होगी? सपोज किसी भी एक एरे में एन एलिमेंट्स है, लाइक तो आप क्या करोगे, हर एक एलिमेंट के लिए कंपैरिजन करोगे यहाँ पर कि ए माइनस बी, ए माइनस, दोनों पॉइंटर आपने क्या कर दिए, एक ही जगह पुट कर दिए. तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जस्ट ट्रेवर्स करना है और आपको पता करना है कि ये के नंबर कौन दे रहा है. तो आपको सिर्फ एक बार ट्रेवर्स करने की जरूरत है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ एन जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका. अगला क्वेश्चन है, वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट रेस्पेक्टिवली आर. तो आपको पता है क्विक सॉर्ट का तो वर्स्ट केस कितना होता है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मतलब बी और सी तो कैंसल हो गया आपको, क्योंकि रेस्पेक्टिवली पूछा गया है, मतलब क्विक सॉर्ट का लास्ट में होगा. तो बी और सी तो कैंसल हो गए, अब बचा मर्ज सॉर्ट. तो मर्ज सॉर्ट का आपको पता है एन लॉग एन होता है, तो एन लॉग एन इसका भी है, एन लॉग एन इसका भी है. अभी भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा. और अगर इंसर्शन सॉर्ट की बात की जाए तो इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट, इंसर्शन सॉर्ट की अगर बात की जाए तो इंसर्शन सॉर्ट का क्या होता है, वर्स्ट केस पूछा गया है ना हमें, द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, कंसीडर एन एरे ऑफ एलिमेंट्स, एरे 5 इक्वल्स टू 5 4 3 2 1. डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको ये एरे दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंसर्शन डन व्हाइल डूइंग इंसर्शन सॉर्ट इन द एरे. जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इसका प्रूफ हम आपको देने वाले. प्रीवियस क्वेश्चन क्या था कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है इंसर्शन सॉर्ट का, और ये जो है ये वर्स्ट केस है. क्यों? जब भी आपका अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरे होता है, अगर आप इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होता है, उसका वर्स्ट केस होता है. कैसे? इनिशियली आपका अरे है 5 4 3 2 1. नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इन दोनों का कंपैरिजन होगा, तो 4 इज लेस देन 5, तो अगला सीक्वेंस हो जाएगा 4 5 3 2 1. ये आपका फर्स्ट सीक्वेंस हो जाएगा. अगली बार क्या होगा, ये दोनों हो गया तो आपका पॉइंटर यहां पर आ जाएगा. 3 का कंपैरिजन क्या होगा, 5 से होगा, 3 इज लेस देन 5, बट इससे भी जितने भी लेफ्ट साइड एलिमेंट है सबसे कंपेयर करना पड़ेगा. तो 3 का कंपैरिजन क्या होगा, 4 से भी होगा, तो 4 से भी होगा, तो 3 4 से भी लेस है, तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 5 एज इट इज रहेगा 2 1 आ जाएगा. तो पहले ये प्रिंट हो गया, फिर ये प्रिंट, मतलब सेकंड
स्टेप में ही हो जाएगा। थर्ड स्टेप की बात करें तो हमारा पॉइंटर अब यहाँ आ गया। टू विल कंपेयर विथ ऑल लेफ्ट साइड एलिमेंट, टू इज लेस देन फाइव इयर्स, टू इज लेस देन फोर इयर्स, टू इज लेस देन थ्री इयर्स, तो अगला सिक्वेंस हो जाएगा टू थ्री फोर फाइव वन। सिमिलरली फोर्थ केस में क्या होगा, वन का कंपेरिजन सारे एलिमेंट्स होगा, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, आप देखोगे सबसे पहले फोर फाइव थ्री टू वन, उसके बाद सेकेंड वाला देखिए थ्री फोर फाइव टू वन, थर्ड वाला देखिए टू थ्री फोर फाइव वन और लास्ट वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, वर्स्ट केस, वर्स्ट केस तो आप देखोगे वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली आंसर होता है। आप इनिशियली ये दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, टोटल एन की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, एन की वैल्यू थी फाइव, एन स्क्वायर क्या हो जाता है 25, और आप देख सकते हो 20 एलिमेंट से काउंट हो गए ऑलरेडी। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना हो रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसलिए हम बोलते हैं वर्स्ट केस। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्गोरिथम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि करेक्ट ऑर्डर क्या, पहला क्वेश्चन भी हमारा यही था। ओके, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th ये है, एज्यूम दैट अ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इन द वर्स्ट केस टेक्स 30 सेकंड्स फॉर द इनपुट साइज ऑफ 64। आपका मर्ज सॉर्ट है वो वर्स्ट केस में 30 सेकंड लेता है, इनपुट साइज कितना है 64। तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मर्ज सॉर्ट की, एन लॉग एन, कितना ले रहा है ये 30 सेकंड, तो यहां पर एन की वैल्यू क्या है 64। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कांस्टेंट में आगे लगा देता हूं कि 30 सेकंड लग रहे हैं, इनपुट साइज 64 है, अगर मेरा इनपुट साइज एक है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, लेट से कांस्टेंट आई एम वांटिंग वैल्यू ऑफ सी, तो 64 log 64 equals to 30. Now c into 64, log 64 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ log base 2, 2 की power 6, log की property यूज करेंगे 6 इधर आ जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं c into 64 into 6, log 2 2 क्या हो जाएगा, log base 2 and 2 1 हो जाता है 30, 6 से cancel कर दूंगा, 6 5 जा 30, तो मेरा जो c है, c की value कितनी आ गई है 5/64, मतलब अगर मेरा input का size एक है तो इस केस में मर्ज सॉर्ट कितना टाइम लेगा 5/64 सेकेंड। अब मुझे दिया गया है मेरे पास 6 मिनट है, 6 मिनट मतलब 6 × 60 सेकेंड, अगर मैं सेकेंड में आंसर करूं तो, क्योंकि मुझे सेकेंड में इनपुट दिया गया है, तो इनपुट साइज मेरा कितना हो सकता है एन लॉग एन, एन की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम कि मेरा प्रॉब्लम वर्स्ट केस में 6 मिनट में सॉल्व हो जाए, कितना बड़ा प्रॉब्लम मैं 6 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ वर्स्ट केस में यूजिंग मर्ज सॉर्ट अकॉर्ड इन दिस केस। तो एक इनपुट साइज के लिए मेरा टाइम लग रहा है 5/64, एन लॉग एन इक्वल टू 6 × 60, तो मुझे एन की वैल्यू पता करनी है, 5 से कैंसिल अगर मैं करूं तो 12 × 5 = 60, तो एन लॉग एन इक्वल टू कितना हो गया 6 × 12 × 64, 6 × 12 कितना हो गया 72 × 64, 72 × 64 को मैं लिख सकता हूँ 512 × 9, 512 × 9, तो यहाँ पर आप सिमिलरली बोल सकते हैं n की वैल्यू 9 होगी, n की वैल्यू कितनी होगी 512, क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना 512 log 512, ये हो गया आपकी n की वैल्यू और log n लिखना है, तो आप क्या log base 2 512, तो 512 को कैसा लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 9 आगे आ जाएगा, मतलब 512 × 9 ये सिमिलर हो जाएगा n log n के, अगर n की वैल्यू कितनी है 512, तो अगर मुझे 6 मिनट दिए गए हैं, 6 मिनट में मैं 512 इनपुट का प्रॉब्लम इस केस में सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपनी आने वाली एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो, अगर आप चाहते हैं आगे आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहे, ना सिर्फ DSSSB के लिए लेकिन KVS, PGT, CS, UGC NET और जितनी भी कंप्यूटर साइंस एग्जाम है उनके लिए, तो दोस्तों प्लीज कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आप किस चीज की वीडियो हमसे रिक्वायर करते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसका फीडबैक भी दे सकते हैं, और आप साथ में हमें ये बता सकते हैं कि आपको इसी तरीके की वीडियो और चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज दीजिए आपका फीडबैक ताकि हम आने वाले समय में इसी टाइप की वीडियो कंटिन्यू कर सकें, और आने वाले समय में और अच्छे से अच्छे वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, गेट कंप्यूटर साइंस, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस सबकी वीडियो आपको मिलने वाली है।
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, और हमारे चैनल को रेगुलरली देखते रहें ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे और नई से नई प्रॉब्लम सॉल्यूशन की टेक्निक्स मिलती रहे जो कि हम डेली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है गाइस, हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।